अपने ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपना प्रोवेशन इसी डिस्ट्रिक्ट में किया है, तो मेरी थोड़ी सी वाकफियत भी है। और अपने प्रोवेशन के दौरान यहाँ पर मैं लखनपुर में मैं वीडियो भी रहा प्रोवेशन के दौरान, और बिलावर में मैंने तहसीलदार भी प्रोवेशन के दौरान अपना यहाँ पर वर्क किया। सो मैं क्योंकि एक हमेशा एक अलग फीलिंग होती है जब आप अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की हो वहाँ पर अगर आपको पोस्टिंग मिले। उस दौरान यहाँ पर रमेश सर बतौर डीसी थे और उनके अंडर मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग की। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट के साथ जस्टिस कर पाऊँगा, न्याय कर पाऊँगा, और बेहतर जो भी अपनी तरफ से जो बेस्ट ऑफ द थिंग है वो मैं यहाँ पर कर पाऊँगा। जो गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज़ हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत को लेकर हो, सेहत स्कीम को लेकर हो, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं लोगों की फॉर्म्स इनकम डबल करने के लिए या फिर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और जिस तरह से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन होंगी उनको जो एक बेहतर ढंग से मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाऊँगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और हमारे जितने भी कठुआ के लोग हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें वो मेरा साथ दें। इसी तरीके से हमारे जो हमारी DDC काउंसिल्स भी नई नई कंस्टिट्यूट हुई हैं, तो हमारे जितने भी हमारे उसमें मेंबर्स हैं, हमारे चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन, क्योंकि उनका एक अब एक बहुत अहम रोल है ना केवल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को लेकर बट उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के विकास को लेकर भी, सो उसमें भी उनका कोऑपरेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, सो दैट हम साथ में मिलकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट को एक बेहतर जगह पर ले जा सकें। थैंक यू सर।